श्री संजय सिंह। आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के बारे में आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा संघ के अनुसार पिछले एक वर्ष में तकरीबन 700 शिक्षा मित्रों ने गरीबी और अवसाद के कारण आत्महत्या की है या अपनी जान दी है। मात्र कुछ तकनीकी कारणों की वजह से शिक्षा मित्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा हार गए थे। हालांकि उन तकनीकी कारणों को प्रशिक्षण एवं कानून में संशोधन करके केंद्र सरकार द्वारा उन शिक्षा मित्रों की बहाली की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार संसद में कानून बनाकर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर कब तक बहाल करेगी। समान शासनादेश से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का डिमोशन हो गया, जबकि उत्तराखंड में समान शासनादेश से एक ही समय में नियुक्त शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। सरकार से मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? उत्तराखंड जैसे प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं हो सकते? अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समक्ष आ रही सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकाला जाए एवं मृत शिक्षा मित्रों के परिवारों को मुआवजा देने का तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। जनहित में आपके इस मानवीय सहायता के लिए मैं और मेरे सदन के साथी सदैव आपके आभारी रहेंगे। महोदय, कल इस विषय पर महिलाओं ने सर मिला के प्रदर्शन किया। बहुत